एक तरफ विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण दलदल कीचड़ युक्त पानी से निकलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान व सचिव से कीचड़ युक्त गली से निजात दिलाने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्र के नगला कुंजी बमहोरी में लगभग 300 मीटर सड़क लगभग 8 वर्ष पहले खरंजा का निर्माण कराया गया था। खरंजा पर पानी कीचड़ भर जाने से ग्रामीणों को उसी में घुसकर निकलना पड़ता है। ग्रामीण महेश चंद्र, राजेंद्र सिंह, राकेश, सुभाष, अवध बिहारी, सुनील, उदयभान, प्रताप सिंह, रमेश आदि लोगों का आरोप है कि शासन से विकास के नाम पर लाखों रुपए ग्राम पंचायत में खर्च किए जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से बिना कार्य के ही धनराशि निकाल कर गबन कर लिए जा रहे हैं, जबकि जहां विकास कार्य कराना चाहिए वहां कार्य नहीं हो रहा है, जिससे राह से निकलने में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। वहीं ग्राम पंचायत में देखा जाए तो कई कार्य फर्जी तरीके से कराए गए। ग्रामीणों का कहना है कि इंडिया मार का हैंडपंप मरम्मत व मिट्टी भराव के नाम से धनराशि गबन की गई है, जबकि ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी से सड़क बनवाने के लिए कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए गाँव में विकास कार्य के लिए लगाई गई धनराशि की जाँच कराकर कीचड़ युक्त गली बनवाने की मांग जिलाधिकारी से की है। क्या नाम है आपका? महेश चंद। गांव कौन सा आपका? ये नगला कुंजी पड़ता है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक वाता आवार और मौजा के अंदर है सर। क्या समस्या आप लोगों? समस्या ये सर कि एक वाता 5 साल से अनुशासन हमको मिलता रहता है, हमेशा इसी तरीके से एक वाता पानी, ये कंडीशन आपने महोदय जी देखी होगी, एक बात तो पानी के लिए हमारे बच्चे जानवर पूरा गांव आपको पता है निकलता है, इस कंडीशन से निकलता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जब जाते हैं प्रधान जी के पास तभी कहते हैं बोला करा देंगे। अभी तक बता इतना अच्छा एक बात तो खरंजा तो छोड़िए जब सीसी करवा दिए साहब, जब जाते हैं बोला इसके लिए मंजूर कर दिया है, फाना कर दिया है, ढीका कर दिया, सिवाय अनुशासन के अलावा कुछ नहीं, झूठा अनुशासन है। 5 साल हो गए, हर साल यही रोना होता है, तब इसलिए फिर मजबूरी में हम लोगों ने एक बात ये कदम उठाया है कि एक बात जब तक प्रशासन के ऊपर वो नहीं करेंगे गुहार, तब तक एक बात जो प्रधान जी सुनने वाले नहीं। कितने लोग निकल रहे हैं इस गली से? पूरा गांव ही निकल रहा है साहब, मेन गली है। क्या नाम आपका? आशीष कुमार सर। गांव कौन सा है? नगला कुंजी। क्या समस्या आप लोगों? समस्या सर ये खरंजा है, करीब 8 साल पुराना खरंजा बना हुआ है, उसमें बहुत सारा पानी भरा पड़ा है, बहुत निकलने आम रास्ता है, निकलने में बहुत परेशानी होती है और बच्चे भी निकलते हैं, पानी भरा, बीमारियां बहुत सारी उत्पन्न होती हैं। उसके कारण प्रधान जी से कई बार हमने बोला है, कोई आश्वासन नहीं देते, कोई काम नहीं होता, ये आम परेशानी है। सुनने को ये भी आ रहा है कि RCC हो गई है, पैसा निकल गया है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा सर। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसकी जल्द से जल्दी कार्रवाई हो और जाँच कराई जाए जिलाधिकारी द्वारा। आपकी गली की कराई जाए, ग्राम पंचायत में आई जो धनराशि है दुरुपयोग किया गया उसकी कराना पूरा कराया जाए, पूरा मौजे का कराया जाए और मेरी गली का जल्दी से जल्दी कराया जाए, बहुत अवगत कराया जाए। नाम आपका? पवन कुमार। गांव कौन सा है? गांव सर नंगला कुंजी। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है सर, ये हमारी एक आम रास्ता है, आम क्या मेन रास्ता है हमारे गाँव की, और इस पे हमारे सब लोग घर पड़ते हैं और पूरा गांव का निकास है। ठीक है, ये खड़िंजा लगभग 8-9 साल पहले करवाया था प्रधान जी ने, भूतपूर्व प्रधान जी ने, तब से इस पे कोई काम नहीं हुआ है और आज ये स्थिति है कि साहब पैदल निकलना इस पे मुश्किल है और पानी भरा हुआ है, मतलब लगभग 2-2.5 फुट पानी है इस पे। और आज तक कई बार प्रधान जी से कहा, सेक्रेटरी साहब से भी कहा, लेकिन आश्वासन के कुछ नहीं मिला है अभी, और काम भी कुछ हुआ नहीं था, बहुत बुरी स्थिति में। ग्रामीणों का ये कहना है ग्राम प्रधान ने व्यर्थ में पैसा निकाल लिया, काम भी कराया नहीं, ये क्या सच है? हाँ ऐसा हुआ है सर, कई सड़कें ऐसी हैं जिनको मतलब रुपया निकल चुका है और हुआ उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। कितने का होगा अनुमान है आपको? अनुमान है, एक सर सड़क है हमारे गाँव में पुराने में देवी के नाम से, वहाँ हमारा कुलदेवी का मंदिर है, उस सड़क का लगभग 2,40,000 रुपया निकला है और उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है।